दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? प्रकार का जो कि हर साल ही आता है। इसका इसका खास बात यह है कि ये ईस्टर्न रीजन का है, जिसमें से ऐसा है वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम और ये सब जहाँ के ये सब अभ्यर्थी होंगे, ये लोग आराम से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। और हाँ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस एग्ज़ाम है, लेकिन रिटर्न एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम से सिलेबस भी दिया हुआ है, जो कि मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, तो आप इसके लिए जुड़े रहिए। यहाँ पे आप वैकेंसी शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, वैकेंसी इसका दिया हुआ है, जो कि खास करके इसका डिप्लोमा लेवल का है, जो वैकेंसी अच्छा दिया हुआ है, जो 123 है, जिसमें से यूआर 50, इकोनॉमिकल वर्कर सेक्शन करिए 12, SC 28 और ST 6 और OBC 27, ठीक है। और इसका अलग अलग दिया हुआ है, वेस्ट बंगाल मैंने बता दिया है। और आपको ITI का भी ऊपर से शुरू है यहाँ पे, जैसे फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मैकेनिस्ट, तो अलग अलग दिया हुआ है वैकेंसी सब, आप देख लीजिएगा। बिहार है, उड़ीसा है, इसका ये PDF में दे दूँगा लिंक में, आप जाकर डाउनलोड करके आराम से देखिएगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी देखिएगा। और हाँ, इसका मैं आपको सिलेबस बोल हाँ इसका अप्लाई करने का डेट शुरू हो चुका है, जो कि 28 तारीख से शुरू है, जनवरी 2021 से लेकर के आपका 26 फरवरी तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। जो भी भाई 3 ईयर डिप्लोमा होल्डर है और जिसका एज 18 से 24 साल है, वही केवल अप्लाई कर सकते हैं। और जो SC ST और OBC बिलोंग करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो छूट मिलता है एज रिलैक्सेशन का, उसका ये फ़ायदा भी उठा सकते हैं, ठीक है। फिर ये एक साल का है ये अप्रेंटिसशिप, क्योंकि इंडियन ऑयल दे रहा है तो अच्छा ही है। तो इसका आइए सिलेबस देखते हैं क्या क्या है सिलेबस में। अब आप देख लीजिए, अकाउंट का अलग है और टेक्नीशियन हम लोग का पार्ट ये है, आप देख रहे हैं, दिखा दे रहा हूँ मैं, जो टेक्निकल होल्डर है वो ऊपर पार्ट ये है, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो क्या है टेक्नीशियन, लेकिन मतलब टेक्निकल कितना होगा, 40 मार्क्स का, और जेनरिक एप्टीट्यूड इंडियन क्वान्टिटिव इंक्लूडिंग क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड, मतलब मैथमेटिक्स रहेगा 20 का, और रीजनिंग एबिलिटी रहेगा 20 का, और बेसिक इंग्लिश रहेगा 20 का। तो आप देख रहे हैं ये सब डाटा एंट्री ऑपरेटर का अलग है, आपको ये ध्यान देना नहीं है, आपका सिर्फ ये ट्रेड एप्टीट्यूज का ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट, अगर आपका नाम आ जाएगा तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर देखते हैं, 4 नंबर पॉइंट देखिए आप, क्या बोला 4 नंबर पॉइंट, आप देख रहे हैं, बोला गया है कि द कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट टू क्वालिफाई सिलेक्शन प्रोसेस, और SC ST का 35%, तभी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, इसका एक खास बात है कि आप थोड़ा मेहनत करिए, क्योंकि कट ऑफ लाने में आपको असुविधा होगा, ठीक है। सो ये कर क्लियर करने के बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल हो गई, क्योंकि ये सबका पता ही है, आप बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको कैसा अप्लाई करना है, मैं इसका ये लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जाके सीधा अप्लाई करिएगा। पहले इसका मैं आपको थोड़ा सा दिखाई दे रहा हूँ कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, अब जाकर के तब आराम से करिएगा। हाँ, इसका वन सेकेंड, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा हूँ इसका। पहले आपको इसको ओपन करना पड़ेगा वेबसाइट में जाकर के सीधा, और करके आपको डायरेक्ट यू आर एल जाना पड़ेगा। यहाँ पर जा करके आपको यहाँ पर सीधा दिखाई देगा इंटरफेस, जो कि यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन डिस्काउंट कर दे रहा हूँ, आपको यहाँ पर सब दिखाई देगा। देखिए आप, इसका लास्ट डेट, टॉपिक एप्लीकेशन सब दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आप जहाँ पे आपका फर्स्ट काम होगा कि आप यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन करिएगा। और हाँ, आपका ईमेल आईडी पर्सनल चाहिए, और आपका मोबाइल नंबर जो कि अभी करंट में जो है वही चाहिए, क्योंकि उस पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा जब इसको अप्लाई करिएगा, तब अप्लाई ऑनलाइन में इसको सबमिट करिएगा, जहाँ पर यह डिटेल्स भरने के बाद तभी जा कर के आपका फ़ोन में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा और ईमेल में भी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप इसको पहले बैक करके इसको करके, उसके बाद आप यहाँ पर जाइएगा एप्लीकेंट लॉगिन में जाइएगा, फिर लॉगिन में जा करके अपना आप डिटेल्स यहाँ पर भरिएगा, पासवर्ड है ऊपर में, और आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, डालने के बाद कितने लॉगिन कर लिएगा। उसके बाद आपको इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पे आपका
डिटेल्स रहेगा कि आपका एड्रेस, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स सब, जैसे माध्यमिक का मार्कशीट, माध्यमिक का एडमिट और डिप्लोमा का लास्ट सेम का, सिक्स सेम का मार्कशीट लगेगा अपलोड करने के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट होने से कर दीजिएगा, और फोटो और सिग्नेचर आपको मिलेगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तब कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको हेल्प करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपका यही था आज तक का, थैंक यू।